और जो रात से निकल के आए थे उसमें कई जो प्रशासनिक स्तर पर उस पर गवेषणा भी की गई है किस तरीके से समाधान निकाला जा सकता है। आपने देखा अर्ली इन द मॉर्निंग से हम वापस सुबह से लग गए थे आपसे, अभी बहुत सारा डिस्कशन अभी भी दोबारा हुआ है कि किस तरीके से आपकी जो समाधान निकाला जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से मैंने कल भी कहा था पूरी तरह से पूरा मन के साथ इसका समाधान निकालने के लिए प्रयास जारी है और जल्दी ही हमें विश्वास है कोई ना कोई समाधान जो बिंदु इन्होंने दिए हैं उन पर आप जाकर के सरकार के साथ बात करें। बिल्कुल, पहले भी कई बिंदुओं पर बात हुई थी और ये वही बिंदु हैं जिसमें कोई ना कोई तकनीकी बाधा या तकनीकी पेश था तो उनका समाधान निकालने की कोशिश की गई है। और उसके साथ साथ जैसा कि आपने देखा है कि 6 तारीख को एक कॉन्स्टेबल भर्ती की एग्ज़ाम है, 10 तारीख को CHO की एग्ज़ाम है, तो युवाओं को जो इन एग्ज़ाम्स में भाग लेना है उनको भी क्योंकि नेट बंद है काफ़ी सारी समस्या और ट्रैक बंद है तो शायद उनको निकलने भी समस्या हो सकती है, तो ऐसी इसका जल्दी से जल्दी समाधान निकले ताकि न केवल MBC समाज के युवा बल्कि जो पूरे राजस्थान के युवा है जो इसमें 17 लाख लोग अभी इससे कॉन्स्टेबल भर्ती में भाग लेंगे तो उनको भी इसमें आसानी होती है। तो क्या नेट चालू करने जा रहे हैं? ये वो निर्णय तो स्थानीय प्रशासन का है, हम इस ये जो इशू है जिस पर ये आप लोग यहाँ पर व्यथित होकर के बैठे हैं उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। नेट चालू करने के लिए भी कहा है कि नेट को चालू करवाया जाए इस तरह। हाँ, अब जब समाधान पूरा ही हो जाएगा तो फिर नेट भी चालू होगा। आप वापस पटरी पर आवश्यकता पड़ेगी तब शाम तक वापस लौटेंगे। जैसे आवश्यक हम लगातार संपर्क में हैं, जैसे जैसे बातचीत होती है सोल्यूशन की। सबसे बड़ा पेज कहाँ फंसा हुआ है सर इतनी डिमांड्स इनके बीच में? सबसे बड़ी बात जो है ये बैकलॉग की, क्या बैकलॉग बन रहा है या बहुत सरकार के हाथ में? वही मैं बहुत सही सवाल पूछा आपने कि राज्य सरकार के हाथ में जो जो सीमाएं हैं किस प्रकार से जो कानूनी दृष्टि से जो दिया जा सकता है 5% आरक्षण MBC समाज को पूरा लगातार मिल रहा है। अब जो पुरानी भर्तियां हैं जिनमें बैकलॉग का जो शब्द यूज़ हो रहा है वो कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा उसके लिए जो सारी स्थिति समाज के समक्ष क्या इसमें जायज मांगें कितने दिख रही है और आपको लगता है कुछ बात में एडमेंट है? जो जो होने लगे हैं करण साहब बिल्कुल एडमेंट नहीं है। करण साहब उनकी जो पूरी टीम है उनको समक्ष अगर सारी बात सही रखी जाएगी तो उन्होंने पहले भी सारी बात हमारी मानी है और आगे भी विश्वास है कि समाधान जरूर निकलेगा। सर ड्राफ्ट एक नए सिरे से फिर से ड्राफ्ट तैयार होगा? देखिए ये समझौता या बातचीत हर स्तर पर पहले भी कई बार हुई है, राज्य सरकार के स्तर पर भी हुई है थोड़े दिन पहले, यहाँ भी हो रही है, अगर ये आवश्यकता पड़ती है तो वापस जयपुर जाके भी हो सकती है। तो ये सतत प्रक्रिया है, जहाँ जहाँ पर भी जो जो ब्लॉकेट्स आएंगे उनका समाधान करने के लिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी आप भी समझेंगे जिसमें लॉ का, DOP का, फाइनेंस का, उन सब का इन्वॉल्वमेंट होना आवश्यक होगा। तो हो सकता है कि आपके कुछ लोग जयपुर जाकर के उन चीज़ों उन बिंदुओं पर डिस्कस करें कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पर हो सकता है आम जनमानस को समझ में नहीं आ रही है लेकिन उसमें कोई तकनीकी पेज हो उनका समाधान कैसे निकाल सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़ें।